बुरहानपुर जिले में नेपा नगर के ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाला चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बता दें कि नेपा नगर के बुधवारा बाजार में 2 दिन पूर्व माला ज्वेलरी शॉप में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में चोरी की पूरी घटना कैद हो गई, जिसके बाद नेपा नगर पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस चोर की खोजबीन की गई। वहीं खोजबीन के दौरान आखिरकार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी गई है और पुलिस ने चोरी को अंजाम देने वाले चोर को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी ज्ञानू जायसवाल ने कहा कि आरोपी नेपा नगर के संजय नगर का निवासी है, जिसने पूरी घटना को अंजाम दिया है। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। इसमें हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो दुकान के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति था जो मुँह बांध कर उसकी चोरी की, अंदर के फुटेज देखे, उसके बाद बाहर के भी हमने जो जन सहयोग के द्वारा कैमरे लगे वहाँ भी देखा, तो उसमें एक ही आदमी के द्वारा दुकान के अंदर ताला तोड़ के अंदर घुस के चोरी करना और बाहर सामान सही जाते हमने देखा। इस आधार पर सस्पेक्टेड की तलाश की गई। इसमें जो रौनक चंदेल है, संजय नगर का निवासी, इस पर शंका होने से पूछताछ की गई। इसके द्वारा कबूल किया गया कि दुकान में रखे हुए जो जेवर थे, बेंटेक्स की सामग्री और नकदी 5,000 रुपये, तो चोरी करना बताया। पैसे तो उसने खर्च कर दिए, लेकिन जो सामग्री है वो जब्त हो गई। इससे उसको भी न्यायालय पेश कर।